केंद्र सरकार बनने के बाद सरकार का पहला आम बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी है। भाजपा नेताओं ने इसे आम जनता का बजट बताया, वहीं विपक्ष ने इसे निराशावादी बजट बताया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री ने सभी चीजों को बारीकी से पढ़कर संसद के सामने रखा। इस पूरे बजट में कई चीज सस्ती हुई है तो कई चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं। खास बात यह रही कि ताज नगरी आगरा को इस बजट से काफी उम्मीद जगी है, क्योंकि इस बजट में जूता उद्योग को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं, जिससे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आगरा के जूता उद्योग को इससे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर ताज नगरी आगरा के भाजपा नेताओं ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि जूता उद्योगों की वर्षों की पुरानी मांग आज पूरी हुई है। इसके बाद आगरा के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। ये दरअसल बजट है जो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जैसे हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहती है, जिसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता, नौजवानों बेरोजगार नौजवानों के लिए काम, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम और देश के अन्य अन्य जो क्षेत्र हैं उनके अंदर प्रभावी ढंग से पैसे का वितरण करके और एक उज्ज्वल भविष्य की रचना की गई है इस बजट के अंदर। हम ये आगरा के लिए तो सौभाग्य की बात है कि आगरा के अंदर जो जूते का जो स्लैब है GST का, उसके अंदर कमी आई है और उससे आगरा के जूता उद्यमों की बहुत पुरानी मांग है कि उस पर कुछ छूट मिलनी चाहिए, GST कम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगरा के लोगों के लिए तो ये आज का दिन बड़ा बल्ले बल्ले होने वाला दिन है। बहुत लोगों को, यहाँ कई लाख लोग लगे हुए इस रोज़गार से और आगरा के अंदर कई हज़ार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारे जो उद्यमी हैं वो विदेशों को करते हैं और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था वो मांग उनकी चलती रही है। तो मैं समझता हूँ आगरा के लिए बजट बहुत अच्छा है। आज जो भारत सरकार का जो बजट आया है, यह बजट आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, स्वर्णमुखी बजट है। बिल्कुल, जो जैसे भी बजट देखने में आ रहा है पूरी बजट, उसमें आगरे के लिए, हम तो आगरे के लिए जूता उद्योग के लिए बात कहेंगे, जूता सस्ता हुआ है, कस्टम ड्यूटी कम हुई है, जो लेदर के शूज हैं, लेदर के पर्स हैं, निश्चित इन सब चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा, तो आगे जैसे शहर के लिए तो फायदा ही होगा। और किसी के लिए जो फंड रिलीज हुआ है, बेरोजगारों के लिए जो स्टार्टअप है उसके लिए हुआ है, ये सारी चीज़ आने वाले युवाओं के लिए फायदेमंद है और इससे रोजगार का बहुत ही होगी और रोजगारों को, बेरोजगार और नए जवानों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा और काम भी मिलेगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर इसे कागजी बजट करार दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि इस बजट में कुछ भी खास नहीं है जिससे आम जनता को कोई लाभ मिल सके, ये बड़े उद्योगपतियों के लाभ के लिए बनाया गया बजट है। कागजी बजट है क्या? सरकार अपने ही बजट को, पिछले बजट को, उसके मानकों को पूरा कर पाई? अब इनकम टैक्स के स्लैब्स में कुछ छेड़खानी करी गई है, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया, वो नीचे कर दिया, ऊँट के मुंह में जीरे समान है। और हम जिस बजट की बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, हमें चाहिए था MSP की गारंटी, हमें चाहिए थी इंडस्ट्री की। अभी कस्टम ड्यूटी पे सुना है कि जूते पे कुछ छूट ऊट है, इससे फ़ायदा किसे होगा? क्या आगरे के लोकल व्यापारी को होगा या बाहर विदेश के लोगों को होगा कि उनका जूता सस्ता होकर बाहर से देश में तो नहीं आ जाएगा और वो अपना व्यापार ज़्यादा करेंगे? हमारे अपने लोकल व्यापारियों को जो बजट में यहाँ के पर्यटक उद्योग को, यहाँ पानी की जो बड़ी समस्या है उसके लिए, यहाँ रिसर्च और एजुकेशन के सिस्टम को सुदृढ़ करना था, यहाँ पर हॉस्पिटल के सिस्टम को सुदृढ़ करना था, अग्निवीर योजना को ख़त्म करके कुछ नई योजना लानी चाहिए थी, इस तरह का इस बजट में कुछ भी नहीं दिखा है। ये पुराने बजट की नई कॉपी है भाई, पैकेजिंग करके थोड़ा सा बस दिखाया गया है। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि, कहना बहुत अच्छा है कि हमने ये चीज़ें कर दी हैं, कागजी बजट है, अच्छा कागजी बजट है, लेकिन कागजी बजट जब तक मौके पे, ज़मीन पे, गांव में, दूर दराज के लोगों में, छोटे लोगों को राहत नहीं देता है।
बड़े उद्योगों के लिए तो बड़ी बातें करी गई हैं, उनको बड़े स्लैब्स में टैक्स रिबेट हो जाता है। गरीब आदमी को जो टैक्स नहीं भर पा रहा है, टैक्स की लेवी में ही नहीं आ पा रहा है बेचारा, उसको फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, स्वास्थ्य का स्तर कैसे बढ़ेगा, ये ब्लैकमेलिंग का भी बजट है अगर आप देखें। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।